पुलिस वाले कह रहे थे सर आप फिर से आना, इस बार हम सिक्योरिटी देंगे आपको। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लैंसडाउन। हम लोग आ चुके हैं लैंसडाउन में, मॉर्निंग का टाइम वैसे भी हो रहा है। सबसे पहले जो नहाने वाला बंदा था इतने ठंड में यहाँ पे, और ठंड रात को 12 बजे रात को 12 बजे नहा रहा था। हमारे गौरव भाई आ गए हैं, मेरा ऑल टाइम फेवरेट इंसान होने वाला चेकआउट का, वो हम लात मार के निकाले। इससे पहले हम लोग निकल जाते हैं आराम से। आइए दूसरा रूम दिखाते हैं, और ये रहा हमारा सेकंड रूम। 60,000 में 2 रूम्स लिए, 60,000 2 रूम्स और बॉनफायर ऊपर। अच्छा 600 में सॉरी। ये रूम में मैं स्टे कर रहा था, पहले तो हम लोग उसी डाउट में थे ये लैंसडाउन का पोर्ट्रेट है किसका है, और हम लोगों ने यहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह किया जैसे कि आप। अरे मेरू, ये मैं, हाँ मेरे सड़े हुए बाल, क्या पोज दे रहे भाई? अरे भाई आलसी मोटे, आई हैव पीस आउट। और ये रही हमारी लॉबी, हम लोग ऊपर जाके अभी आप दिखाएंगे बॉनफायर जहाँ हम लोग कर रहे थे मस्ती की थी रात में। विक्रांत भाई और हम और प्रशांत, 3 लोगों ने खुल के मस्ती की। ये उठा नहीं, ये अपने दुख में था और उससे बड़ी नींद में था। तुम्हारी चॉकलेट, इस बंदे की चॉकलेट नहीं मिल रही, बहुत दुखी है। ये मोटे लोगों का बहुत बड़ा दर्द होता है, जैसे हमारा बाइक का है, इसका खाने का है। छोड़ चलो बैठ के नीचे तो नहीं चलेगी। अरे देख ली भाई, मैं सबसे पहले वही देख, ऐसा तो नहीं बॉनफायर पिघल। एक काम कर, खाली होगी यार भाई, समझ में नहीं यार भाई, भूल गए होगे, पेट में फील नहीं हो रहा, चॉकलेट गई थी नहीं भूल गए होगे। 300 रुपए चॉकलेट जिंदगी में एक बार खाई जाती है, वो भी हमेशा जाती है। ये बात तो सही है, हम लड़के तो केवल लड़कियों को देने के लिए अलग पैदा हुए। मैंने नहीं दी कभी, नहीं क्या इमोशनल डैमेज। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, लैंसडाउन का एडवेंचर हमेशा याद रहेगा। मजा तो बहुत आ रहा है सबके साथ, और बोन फायर का तो फील मैंने लिया है, प्रशांत ने लिया है, डांस किया है, डांस किया है, फन किए हैं, और आम पन्ना पिया, आम पन्ना पिया, और इन लोगों की सब्सक्राइब निकल गई है। आम पन्ना बोलो नहीं आया भाई, एक कल बोलो अमर पन्ना, अमर पन्ना। अनबीटेबल लैंसडाउन के नज़ारे, कल उन्होंने जिस तरीके से मिस किया नाइट में, मुझे लग रहा था ज़्यादा खास नहीं होगा। होटल ओनर जो है वो बोल रहे थे कि आप घूमने के लिए एक दिन में भी निपटा सकते हैं, 2 दिन में भी पुश करना चाहे तो कर सकते हैं, बट वर्थ रहा यार आना। आपको नज़ारे दिखाता हूँ, छोटा हिल स्टेशन है बट ऑसम है यार, मज़ा आ रहा है। और जिस तरीके से ये लोग अपने नज़ारों का मज़े ले रहे हैं ना, वो भी पुशअप्स मार दे, कितने करता है? 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. और फिर डोलू डॉन पुशअप लगा, पुशअप लगा, पुशअप कितनी लगाया? कितनी लगा ना तू? लगा पहले कितनी लगा था? अरे पुशअप्स का कंपटीशन हो रहा है। Start. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50. स्टिंग का वादा किया गया था, स्टिंग की बोतल आपके हाथ में, खाली स्टिंग का भरी बोतल दिलाई का वादा यहाँ किया है। नहीं अभी वो भी तो करेगा, अब इसका भी नंबर है, देखिए जीतता ही हारता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 50, 51. अपने आरडी वोट कर नाम मत दीजिएगा आप।
भाई मानता। तो गाइस हम लोग ऊपर आने के बाद हमारे गौरव भाई रश कर रहे हैं, सबका मजा अलग ही लेवल पे जा रहा है और फाइनली बहुत बार कंपटीशन वगैरह सब कुछ हो चुका है, फाइनली हमारा गोटिया बन गया एज ऑलवेज। और गोटिया की पोस्ट देखा ना बैठे कैसे, वाह भाई क्या प्यार है, ये मोहब्बत है। एक और ब्लॉगिंग चल रही है, हट तो है, नजारा नहीं देख रहे, डिस्टर्ब कर रहे हो। यहाँ का नजारा एकदम पहाड़ लेवल पे जा रहा है, मतलब एक एक या दो दिन के लिए विजिट के लिए लोकेशन बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब दे रही है यार, माय गॉड। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर बाइक वगैरह थोड़ा वॉक कर रहे हैं, यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये मेन मार्केट है हमारा लैंसडाउन का और सबसे बेस्ट बिल्डिंग और होटल। और ग्राउंड से कैसा फील कर रहा है, दर्द आता है बॉडी में, पहले से रिलीफ है, स्वेलिंग वगैरह आ गई है फिंगर में, दिखाना। उत्तराखंड की यादें ये जिंदगी भर याद रहेंगी। बड़े बेच रहा हूँ यार, मजे ले रहे हैं उससे सर, हम यही ट्रिच भाई, एक अच्छा एडवेंचर करके आए हैं। मुँह देखने लगता है ग्राउंड रास्ते में लाइन बोली इसने भाई, इटावा वाले ये ना उत्तराखंड में जमा के आए हैं। मजा थी ड्राइवर की बोलने की, ड्राइवर की बोलती बंद हो गई थी, पुलिस वाले कह रहे थे कि सर आप फिर से आना, इस बार हम सिक्योरिटी देंगे आप। अच्छा फाइनली हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और हमारे गोटिया भाई पूरे पूरे दो बार पीछे हो चुके थे, तीसरी बार अपॉर्चुनिटी थी, पता नहीं कैसे रैप करने की पूरी दम लगा रखी, दूसरे घर पे ढंग से एक्सेलरेशन दे रहा था, इस ड्रैग रेस के चक्कर में बड़ी मुश्किल में हारने हारते बचे हैं गोटिया भैया, वो जानबूझ के दो बार हमने आगे किया आपके घर वाले। अरे भैया अंधविश्वास अब क्या बोल सकते हैं, ये नजारा है जिसकी वजह से उन्होंने लंबा सफर तय किया। ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही लाइफ को चेंज करने में बहुत बड़ा हेल्प, मतलब बहुत बड़ा हाथ रखते हैं बदलने के लिए। कुछ लोग इसी से रिलेट कर पाते हैं, जैसे हमारे गोटिया भैया गौतम, दीज लंबी टाइप्स ऑफ मेहनत और दीज स्मॉल टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैंने स्टॉप लिया है, चर्च है, मैंने गूगल मैप वगैरह लोकेशन देखा था, चर्च वगैरह विजिट करेंगे। और हमारा ये हमारे प्रशांत भाई इस दुनिया को जीतते हुए किला फतह कर लिया उन्होंने, और पीछे हमारे भाई सबसे कम सैनिक ब्रो कोड, ब्रो भैया हां ब्रो कोड, गुरु कोड, गुरु कोड नहीं ब्रो कोड, यार व्यवस्था बढ़िया। अरे अरे इधर आ जाओ, बना ये जो भागे तेनु काला चश्मा, तेनु काला चश्मा, तेनु काला चश्मा। इस चर्च में जाने की पूरी प्लानिंग है हमारी, थोड़ी देर से हम लोग स्टॉप ले रखा था। कोटिया भाई होली वाटर डर लगता है ना, होली वाटर से बहुत डर लगता है, डेविल नीक ऊपर सवार है, एनएवएल के क्रिएटर यही है। चलते हैं आज चर्च में विजिट करने जा रहे हैं, अब ये लोगों का मन है, ये लोग आना चाहें तो आए। कितना भी हो, कोई भी किसी भी जगह की ब्यूटी को हमारी आँखें डिफाइन कर सकती हैं, कैमरे का एक लेंस नहीं। लेंस डाउन आया एक पल पर तो लग रहा था शायद मैं सही फैसला था कि नहीं, बट यार गाइस एक या दो दिन के लिए अगर ट्रिप करने आ रहे हो लैंसडाउन ज़रूर विजिट करो, ज़्यादा उतनी फेमस नहीं है कंपेयर टू मनाली लद्दाख ये सब स्पीति वगैरह। हमारे गोटिया भैया ब्लॉग बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है इंडिया में तो है ही नहीं। देखो यहाँ पे तो कोई मुझे मिल नहीं रहा है, अंदर अलाउ है कि नहीं, और चर्च के रूल एंड रेगुलेशंस मुझे भी आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था वर्थ है आपका यहाँ पे आना, हैंडमेड पेंटिंग वगैरह है शायद मे बी। भाई फर्स्ट टाइम मेरा किसी चर्च में आना विजिट हुआ है, लेंस डाउन के बहाने ही मैं चर्च में आया हूँ। वाओ हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं।
नहीं हमें लगा भैया मैं इतनी जोर से बोला सर वो भाई बोल दो यार कोई नहीं भाई वो ले चुका नहीं ले रहा किसने अच्छा ले रहा ले रखा ले रखा ले रखा लेंस डाउन जगह जगह बढ़िया है और वन टाइम विजिट वाला प्लेस है बट कुछ लोगों के लिए नहीं क्योंकि देखो मेनली हम लोग बहुत ज्यादा जगह विजिट कर चुके हैं तो ऑलरेडी इसलिए हमें थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं हम लोग एक ना एक जगह हम लोग कंपैरिजन कर ही बैठते हैं कि जगह उससे बेटर होगा कि नहीं होगा एक्सपेक्टेशंस पर उतरेगा कि नहीं उतरेगा वैसे फिलहाल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मज़ा तो बहुत आ रहा है फाइनली लगा हम लोग लैंड्स डाउन के टॉप हिल पर आ चुके हैं और इसके बारे में डिफाइन मैं आप लोगों से कैसे करूँ चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को नज़ारे यहाँ व्यू और पर्सपेक्टिव कुछ लोग बोलेंगे जगह वर्थ नहीं है कुछ लोग बोलेंगे जगह ओवर वर्थ है अब स्टे करने के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने दिन स्टे करना चाहते हो अगर आप नॉर्मली हिल स्टेशन इलाके से नहीं हो उत्तराखंड टाइप से जगह से नहीं हो तो आप लोगों के लिए जगह तो बहुत ज़्यादा अच्छी है कपल्स के लिए भी अच्छी है और फैमिली के लिए भी अच्छी है नज़ारे आप खुद ही देख लो और लोग ऐसी आवाज़ जो चीखे आ रही है वहाँ से ये लोग मस्ती करने वहाँ चले गए हम लोग भी वहाँ विजिट करते हैं और कुछ खाने पीने का भी देखते हैं और फिलहाल ड्यू टू सम रीजंस मुझे काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है बहुत दिनों बाद हिल स्टेशन के लिए देखना मुझे क्राउडेड सिटी ज़्यादा पसंद नहीं आती है मैं हिल्स लवर हूँ हिमालय पसंद है मुझे और हमारे गौरव भाई को भी बड़ा सेक्सी लग रहा है यार इधर A few moments later. अरे गौरव भाई संभल के दूसरा ज्ञान दे रहे खुद भी कर रहे अरे गौरव भैया अरे अरे भैया ट्रैक करने चले गए विक्रांत भाई अरे भैया एडवेंचर चल रहा धनाधन बच्चे से निकल जाओगे नहीं फंस जाऊंगा मैं तो उदपुर के आ गया हाँ भैया खजाना ढूंढेंगे